हेलो फ्रेंड्स, आज हम दवा पढ़ेंगे नक्स वोमिका। तो चलिए शुरू करते हैं। नक्स वोमिका का मरीज़ बहुत ज़्यादा या इसकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा उत्साही होते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं। नक्स वोमिका की ऐसी पर्सनालिटी होती है, बहुत ज़्यादा उत्साही, पैशनेट, कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिशन दे दो उनको और फिर वो परफॉर्म करके दिखाएंगे। बिजनेसमैन, हाई ऑफिशियल्स, ऊंचे पदों पर बैठे हुए बिजनेसमैन जो बहुत कामयाब हैं और ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, या क्लास में हैं तो क्लास के टॉपर्स हैं नक्स वोमिका। एम्बिशन, एम्बिशियस हैं, एम्बिशन फॉर फेम, फेम चाहिए नक्स वोमिका का। तो रेपर्टरी में 6 ही दवाइयाँ, नक्स वोमिका मेन मेडिसन है। तो एम्बिशियसनेस है फॉर फेम, पर जस्ट फिलॉसफी नहीं है, फिलोसॉफिकल नहीं है सल्फर की तरह की बातें बातें हैं, परफॉर्म करके दिखाता है नक्स वोमिका। तो बहुत ज़्यादा जो कॉम्पिटिटिव हैं, पैशनेट हैं, उत्साही हैं, उमंग में रहते हैं और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, ऐसे की एक पर्सनैलिटी है नक्स वोमिका के। बिजनेस की चिंता, बिजनेसमैन है, बिजनेस ऊंचे पदों पर बैठे हैं, तो ऐसी की पर्सनैलिटी होगी नक्स वोमिका की, जिनकी सिडेंट्री लाइफ है। लाइफ में फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन मेंटल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा है, मानसिक बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ होता है, बार बार फ़ोन आते हैं और कहाँ पे क्या काम चल रहा है, तो मेंटल एफर्ट्स जिनके काम में बहुत ज़्यादा है। बिजनेस की चिंता रहती है, देखो नक्स वोमिका सबसे ज़्यादा मेन मेडिसन। एंग्जाइटी अबाउट बिजनेस फ्रॉम डिस्पेप्सिया, इनडाइजेशन होने के बाद बिजनेस की एंग्जाइटी हो जाए, तो यहाँ से ये भी पता चलता है इनडाइजेशन की भी नक्स वोमिका मेन मेडिसन है। तो ऐसे की पर्सनैलिटी का बिजनेस मैन बैठे हुए हैं अपने ऑफिस में और फिर वो बार बार स्टिमुलेंट उनको कोई ना कोई चाहिए अपने ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए। बार बार चाय आ रही है ऑफिस में, या बार बार कॉफ़ी आ रही है, या रात को थोड़ी सी उनको ड्रिंक लेनी पड़ती है क्योंकि इतने वॉर्न आउट हो जाते हैं ना। तो वॉर्न आउट जो बिजनेसमैन है जिनका बहुत ज़्यादा मेंटल एक्जर्शन हो गया है, नक्स वोमिका मेन मेडिसन है। तो ऐसे की एक पर्सनैलिटी है, इनडाइजेशन की नक्स वोमिका मेन मेडिसन है, जो इनडाइजेशन हो रहती है या चूर्ण लेने लग पड़ते हैं या कुछ ना कुछ स्टिमुलेंट्स लेते हैं ऐसे के पेशेंट्स, और उनको कब्ज की प्रॉब्लम या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहे, नक्स वोमिका मेन मेडिसन है ना। तो इनको 3 मेन चीज़ें चाहिए, वुमन, वाइन एंड वेल्थ, है ना, एलिमेंट्स फ्रॉम डिबॉचरी, है ना। तो वुमन, वाइन एंड वेल्थ, ये 3 चीज़ें चाहिए। बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्सेसेस के बाद इनकी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इनफर्टिलिटी के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसन है। वुमेनाइजर हैं, और अल्कोहल चाहिए इनको, स्टिमुलेंट्स चाहिए, है ना। तो उसके बाद ऐसे बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्सेसेस या अल्कोहलिज्म के बाद अगर प्रॉब्लम आ जाए तो होम्योपैथी में बेस्ट हैंगओवर के लिए मेडिसन है, जैसे भी कसोल का कैप्सूल लेते हैं, नक्स वोमिका। नक्स वोमिका के एक डोज ले लो या 200 की या 30 रिपीट कर लो, तो वो हैंगओवर उतर जाता है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम सेक्सुअल एक्सेसेस के बाद प्रॉब्लम कोई भी आ जाए तब नक्स वोमिका बहुत अच्छी मेडिसन है। अमोरस डिस्पोजिशन, बहुत ज़्यादा जिनको लव चाहिए, ड्रीम्स भी ऐसे के हैं, पोल्यूशंस, नाइटफॉल की भी मेडिसन है, स्टाइरियसिस, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर है, तो ऐसे की सेक्सुअलिटी है और ऐसे के बिजनेसमैन है और कॉम्पिटिटिव है, तो ऐसे की पर्सनैलिटी है नक्स वोमिका। अच्छा, जिनका फिर इतना ज़्यादा मेंटल एग्जर्ट किया होता है, गुस्सा इनके नाक पे रहता है ना, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर विद एंग्जाइटी, एलिमेंट्स फ्रॉम बींग स्कॉन्ड, थोड़ा सा झिड़क दिया तब प्रॉब्लम आ गई, बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है एंगर की, व्हेन ओब्लाइज्ड टू आंसर, और उनको बार बार कोई क्वेश्चनिंग करी जा रहा है जहाँ पे उनको जवाब देना पड़ रहा है, तब बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत हो जाती है, बहुत ज़्यादा एंगर जल्दी आ जाता है, चेहरा लाल हो जाता है, वायलेंट एंगर है, अवर्जन टू आंसर बहुत ज़्यादा है, जवाब नहीं देना चाहता, अपने आपे से बाहर हो जाता है, काट भी सकता है,
बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन इनको रहता है, चिड़चिड़ापन के साथ बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है, तो गुस्सा भी इनके नाक पे रहता है ना। अगर मैं फिल्मी एक्टर की बात करूँ तो थोड़ा नाना पाटेकर जैसा, जैसे पर्सनैलिटी है ना, ऐसे का भी हो सकता है। बहुत जो पॉलीक्रेस्ट मेडिसन है, नक्स वोमिका कई तरह के हो सकते हैं। पॉलीक्रेस्ट मेडिसन पहले भी मैं जिक्र कर चुका है, ऐसी मेडिसिन होती हैं जो एक दवा बहुत सी बीमारियों को काम आती है ना। तो नक्सोमे का भी पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, एक दवा बहुत सी बीमारियों को काम आती है। अच्छा, ये और रूब्रिक्स दे रखे हैं एंगर को लेकर, रेपर्टरी के अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, विद इंक्लिनेशन टू कमिट सुसाइड भी हो सकता है, बट अफ्रेड है ना, अफ्रेड टू डू इट कमिटेड, डर जाता है सुसाइड करने के लिए। इरिटेबिलिटी विद हेमरॉइड्स, बवासीर के साथ अगर चिड़चिड़ापन है तो यहाँ पता लगता है कि बवासीर की बहुत अच्छी मेडिसिन है। अदरवाइज डाइजेस्टिव सिस्टम की ही ये बहुत ज़बरदस्त दवाई है, लीवर ट्रबल की बहुत अच्छी है, जो बार बार अल्कोहल लेते हैं या ओपियम लेते हैं या और कोई नशा पत्ता लेते हैं तो लीवर उसको डिटॉक्सिफाई करता होता है किसी भी टॉक्सिन को, तो लीवर की बहुत अच्छी मेडिसिन है। इरिटेबिलिटी वन क्वेश्चन, कोई बार बार क्वेश्चनिंग कर रहा है तो वहाँ चिड़चिड़ापन आ जाता है। मेलिशियस, बदला लेने की भावना, और बहुत ज़्यादा ढीठ रहते हैं, जल्दी खिंच जाते हैं, ऑफेंडेड इजिली, क्वारलसम, लड़ने को तैयार रहते हैं, डिजायर टू स्ट्राइक, टेम्परामेंट कोलरेटिक यानी कि बाइल ज़्यादा निकलता है, डिस्पोज्ड टू एंगर, ऑलवेज इरिटेबल, छोटी छोटी चीज़ें उन्हें प्रॉब्लम को बढ़ाती हैं, ट्रिफल्स एग्रावेट, तो बहुत ज़्यादा वायलेंट होंगे, है ना। तो ऐसी की पर्सनैलिटी जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, जिनके अंदर मेंटल एग्जर्शन की वजह से फिर वो आ जाता है। क्वालसम इफ डिस्टर्ब, डिस्टर्ब किया बस लड़ने को तैयार, पर्ट्री में एक ही दवा दे रखी है नक्स वोमिका, अगर उसको डिस्टर्ब करोगे तो वो लड़ने को तैयार रहेगा। अच्छा, फिर इसके बाद आ गया प्रोस्ट्रेशन, प्रोस्ट्रेशन थ्रू एंड थ्रू रहेगी, बहुत ज़्यादा मेंटल ब्रेन फैग होगा, मेंटल एग्जॉशन हो जाएगी, इतना लंबे समय के लिए मेंटल एग्जर्ट करने के बाद प्रोस्ट्रेशन आ गई, तो प्रोस्ट्रेशन के लिए, मेंटल प्रोस्ट्रेशन के लिए नक्स वोमिका एक ग्रेड मेडिसिन है, नंबर वन मेडिसिन टू बी थॉट ऑफ इन दिस मॉडर्न एरा है ना। अवर्जन फॉर रीडिंग, अवर्जन टू मेंटल वर्क, क्योंकि अब मानसिक स्थिति इतनी साउंड नहीं रही है ना। अवर्जन टू मेंटल वर्क आफ्टर एंगर, एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल वर्क, कोई भी फिर मानसिक काम करना पड़ गया तब दिक्कत आ गई, और फिर धीरे धीरे कंसंट्रेशन भी डिफ़िकल्ट होगी, चाहे वो पढ़ रहे हैं उसके लिए, चाहे कैलकुलेशंस के लिए, माइंड में कन्फ्यूजन आने लग पड़ी, या अल्कोहलिक ड्रिंक्स लेने के बाद कन्फ्यूजन आने लग पड़ी। अल्कोहलिक ड्रिंक्स लेने के बाद कोई भी प्रॉब्लम हो तो नक्सफोमिक नंबर वन मेडिसिन है। एवर्जन टू वर्क, अब यहाँ पे जो उत्साही पर्सन था, जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव था, यहाँ पे एवर्जन टू फिर वर्क होने लग पड़ा धीरे धीरे, मेमोरी की वीकनेस होने लग पड़ी, ड्रंकार्ड्स के अंदर मेमोरी की वीकनेस होने लग पड़े, तब नक्सवामी का पेशेंट है। फ्रॉम वाइटल लॉसेस, कुछ इंपॉर्टेंट लॉसेस हो गए सेक्सुअल एक्सेसेस के बाद मेमोरी वीकनेस होने लग पड़ी, या मेंटल एग्जर्शन के बाद ही मेमोरी वीकनेस होने लग पड़ी। अब फिर मेंटल एग्जर्ट थोड़ा सा भी अगर करेगा तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, है ना। अब ऐसे की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हो जाएगी, सेंसेस बहुत ज़्यादा एक्यूट सेंसिटिव आफ्टर ईटिंग, मैंने बताया डाइजेस्टिव सिस्टम की बहुत अच्छी मेडिसिन है, खाना खाने के बाद कोई भी दिक्कत आ जाए तब बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब सेंसिटिव है, लाइट लाइट जग रही है उससे दिक्कत हो रही है, म्यूजिक चल रहा है उससे दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा भी शोर शराबा हो रहा है उससे दिक्कत हो रही है, स्लाइटेस्ट नॉइज, स्टेपिंग से भी आवाज़ आ रही है, स्टेप्स की आवाज़ आ रही है तब दिक्कत आ रही है, वॉइसेस आ रही है उससे दिक्कत आ रही है, स्मेल चढ़ रही है उससे दिक्कत आ रही है, और दर्द उसको थोड़ी सी भी होती है, ओवर सेंसिटिव है उसके लिए भी, बहुत ज़्यादा पेन को महसूस करता है ना। तो सेंसिटिविटी थ्रू एंड थ्रू इंक्रीज हो गई है ऐसे के मेंटली इरिटेबल पेशेंट्स की, जिनका मेंटल एफर्ट बहुत ज़्यादा है, इरिटेबिलिटी आ गई है, जो बहुत ज़्यादा उत्साही रहते हैं पर्सन ऐसे के, स्टार्टिंग स्टार्टल्ड फ्रॉम नॉइज, एकदम से झुनझुनी आ जाती है, कोई आवाज़ सुन ली एकदम से, इनडिस्पोज्ड टू टॉक है ना,
चुप रहना पसंद करता है, डिजायर टू बी साइलेंट, क्योंकि वैसे ही ब्रेन फैग है, दिमाग वैसे ही नहीं चल रहा, अब डिस्टरबेंस नहीं चाहता, कोई दूसरा उससे बातचीत करे या दूसरा बातचीत कर रहा हो तब भी दिक्कत हो गई उसको। होपफुली आप समझ पा रहे हो कि कैसे का कॉन्स्टिट्यूशन है ये, कैसे का मेकअप है उसका, है ना। अब ये कुछ रूब्रिक्स रेपर्टरी से निकाल करके लाया हूँ, ये भी एक पिक्चर और क्लियरली इंडिकेट करते हैं नक्स वोमिका के, रेस्टलेसनेस है लेकिन आर्डेंट है, बहुत ज़्यादा उत्साही है ना, और एक्टिव है, केयरफुल है, रेस्टलेसनेस है लेकिन केयरफुल है, कहीं गलती ना हो जाए, मिस्टेक्स ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, तो केयरफुल रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है, जो चीज़ पसंद है वो पसंद है, ये पसंद है तो ये पसंद है, बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है। देख लो सारी रेपर्टरी में एक ही मेडिसन है, सारी मटेरिया मेडिका में 6,000 से ज़्यादा दवाइयों में एक ही दवाई है नक्स वोमिका, कितना इंडिकेट कर दे रही है कॉन्स्टिट्यूशन को, जीलस है ना या जेलस, तो बहुत ज़्यादा उत्साही ऊर्जा से भरे हुए ऐसे के नक्स वोमिका के पर्सनैलिटी रहती है, रेवलरी फीस्टिंग पार्टीज लाइक करते हैं, स्पेशली वो पार्टीज जिनके अंदर अल्कोहल चलती है, तो अल्कोहल वाली पार्टी, क्योंकि स्टिमुलेंट इनको खुद को चाहिए बॉडी को आगे चलाने के लिए। ये था नक्स वोमिका का पर्सनैलिटी, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन, उसके माइंड के लक्षण, होपफुली आपने समझा होगा कैसे का व्यक्तित्व है, जो बहुत ज़्यादा उत्साही है, लाइफ को जीना चाहता है, कुछ करना चाहता है, एम्बिशियस है, और फिर इरिटेशंस भी आ जाती हैं, बिजनेसमैन हैं, हाई ऑफिशियल्स हैं, बिजनेस के टॉप पे बैठे हुए हैं, जो खुद चेयरमैन हैं, बिजनेस को चला रहे हैं, तो ऐसे की पर्सनालिटीज़ हैं, तो उनके अंदर इरिटेबिलिटी आ गई, स्टिमुलेंट्स लेते हैं, फिर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो, या और नक्स वोमिका की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स में हम दे सकते हैं ना, ये तो हो गया उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी, लेकिन कौन कौन से प्रॉब्लम्स में हम नक्स वोमिका मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे, तो उसके नेक्स्ट पार्ट में हम समझते हैं कौन कौन सी बीमारियों को इसको देंगे, तो ज़रूर जुड़िएगा सेकंड पार्ट में। थैंक यू सो मच।